उसके बाद हमारा आता है कि डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन कौन से, जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर दिए, ठीक है, ये सारे फोल्डर हमारे पास डॉक्यूमेंट के बन के आ गए हैं, ये सारे फोल्डर, ठीक है, ये हमारे किस में पड़े हैं, माई डॉक्यूमेंट में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल हमने इनकी प्रिपेयर की है। उसके बाद आता है हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है कि जो भी फोल्डर, जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो सारी कहाँ आती है, हमारे रिसाइकल बिन वाले फोल्डर में, ठीक है। रिसाइकल बिन कुछ इस तरह से होता है, रिसाइकल बिन वाले फोल्डर में हमारी सारी फाइल्स है वो यहाँ पर आ जाती है। रिसाइकल बिन हमारा क्या करता है कि जितने भी हमारा जो डेटा है, जो भी हमने डिलीट किया, वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होगा जब तक हम नहीं करेंगे, हमसे पहले क्या कहाँ जाएगा, वो रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन में जाने के पास हमारे पास ऑप्शन रहता है, हमें याद आया कि हमने गलती से वो फाइल डिलीट कर दी, तो हम क्या करेंगे, रिसाइकल बिन में जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ये वाली फाइल है माई फोल्डर, न्यू फोल्डर वाली जो फाइल है, ये हमें नहीं डिलीट करनी, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ तीसरे चौथे नंबर पर ऑप्शन आएगा क्या, रिस्टोर, तो वहाँ से हम इसको रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है, तो जहाँ से डिलीट हुई थी वहाँ पर वापस चली जाएगी। तो रिस्टोर ऑल आइटम भी हम कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम रिस्टोर ऑल आइटम, तो सारे जो आइटम यहाँ से हट जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर जहाँ से हमने इनको डिलीट किया था, ठीक है। तो ये होता हमारे पास रिसाइकल बिन। नेक्स्ट जो हमारा था वो आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब जहाँ पे हम अपना जो डेटा है वो ब्राउज कर सकते हैं, कोई भी सर्च हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, गूगल क्रोम है, ठीक है, गूगल क्रोम हमारा क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारा वेब ब्राउजर है। इंटरनल एक्सप्लोरर हमारा पहले यूज़ होता था, बहुत पुराना ये एक तरह से वेब ब्राउजर है, ठीक है, मतलब इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है तो इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो पहले हम यही यूज़ करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ई लिख के कुछ आता था, ऐसे ई करके कुछ इसका सिंबल होता था, आइकन होता था, ठीक है। वेब ब्राउजर रेफर टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच कनेक्ट द यूजर विद द इंटरनेट वर्ल्ड, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, जो यूजर को इंटरनेट वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखता है। वन वी क्लिक ऑन द आइकन इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर हम गूगल क्रोम कह लें, गूगल क्रोम है हमारे पास ये लगा लो, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई भी, ये दोनों क्या है, वेब ब्राउजर। कि जब भी हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी, जहाँ पे हम हमारे पास गूगल सर्च होगा, ये बिंग एक तरह की गूगल सर्च ही है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके हमारे सामने आता है ना, गूगल ओपन हो गया जाता है, यहाँ पे गूगल लिखा होता है, जब भी हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम अपना सर्च है वो डालते हैं, ठीक है, कि हमें क्या सर्च करना है। उसके बाद आता है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर मैंने कल भी बताया था, ठीक है, ये जो हमारा आइकन होता है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या करता है, विंडो एक्सप्लोरर इन सच ए टूल दैट हैज़ बीन मेड फॉर ऑर्गेनाइज ऑल द फाइल एंड फोल्डर्स इन द कंप्यूटर। इट विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू कॉलम, ऑन द लेफ्ट साइड लिस्ट ऑफ ऑल द फोल्डर अवेलेबल इन द कंप्यूटर। जैसे मैंने ऊपर वाला उसमें बताया था कि लेफ्ट साइड में हमारे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स हैं, ठीक है, पिक्चर है, वीडियोज़ है, और राइट साइड में जब जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे उसका डाटा यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा जैसे ही विंडो एक्सप्लोरर मतलब एक तरह से किस तरह से जैसे हम कंप्यूटर ओपन करते हैं ना उसी तरह से ओपन होता है। कंप्यूटर को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो वो क्या है कि डायरेक्टली हमारी डिस्क ड्राइव को शो करेगा, पर इंटरनेट विंडो एक्सप्लोरर को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने देखो ये वाली विंडो ही ओपन होकर आएगी, ये वाली। जैसे ही हम इसको एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आएगी, पर यहाँ पे डेस्कटॉप हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है, ये यहाँ पे कंप्यूटर का डेटा सिलेक्ट है, वहाँ पे कोई भी डेटा सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है विंडो एक्सप्लोरर। इसके लिए हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, इसको सिंगल क्लिक विद द माउस ऑन द विंडो एक्सप्लोरर आइकन लोकेटेड इन द टास्क बार। अभी मैंने आपको दिखाया कि टास्क बार में जो हमारा विंडो एक्सप्लोरर का जो भी आइकन होता है उसको हम क्लिक करेंगे, ये हमारा होता है ये वाला, ठीक है, एक फोल्डर सा बना होता है येलो से कलर का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो गया। सिलेक्ट द ऑप्शन ऑल प्रोग्राम इन द स्टार्ट मेन्यू, या फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑल प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम एसेसरीज सेलेक्ट करेंगे और एसेसरीज में जाके हमारे पास ऑप्शन आएगा विंडो एक्सप्लोरर, वहाँ से हम उसको ओपन कर सकेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से हमारा ओपन होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विंडोज़ एंड इट्स टाइप, ठीक है, विंडोज़ एंड इट्स टाइप। इसमें हमारा क्या है, विंडो क्या कौन सी होती हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप कौन से, डिफरेंट टाइप की विंडोज़ हमारे पास कौन सी होती हैं। विंडो रेफर्स टू अ रेक्टेंगुलर एरिया विच इज़ एसोसिएटेड विद एन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, फोल्डर और डायलॉग। द एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट मे बी एनी, इट रन इन इट्स एसोसिएट विंडोज़, ठीक है। एक क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो कि एप्लीकेशन, फोल्डर या डायलॉग बॉक्स किसी का भी हो सकता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरिया है कि हम कोई भी फोल्डर ओपन कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने एमएस वर्ड ओपन किया या एमएस एक्सेल ओपन किया, तो सबसे पहले जो हमारे सामने ओपन होकर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उस एप्लीकेशन की विंडो। हमारे सामने मैंने कई बार जैसे एमएस एक्सेल पढ़ा, जब मैं बता दें एमएस एक्सेल की विंडो ओपन होकर आएगी आपके सामने, इंटरनेट अभी मैंने बोला जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम ओपन करेंगे तो उसकी विंडो ओपन होकर आएगी, तो वो होती है हमारे पास विंडो, ठीक है, कि किसी भी एप्लीकेशन पे या डॉक्यूमेंट पे या फोल्डर पे या डायलॉग बॉक्स जो होते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी जो विंडो ओपन हो जाएगी। कई बार आपने देखा ना, मिनिमाइज कर देते तो छोटी सी विंडो, छोटा सा डायलॉग बॉक्स, छोटी सी विंडो हमारी स्क्रीन के बीच में आ जाती है, वो भी हमारी क्या होती है, विंडो होती है, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेक इट क्लियर दैट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बाय यूजिंग विच द यूजर एस्टेब्लिश हिज कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर सिस्टम। कॉन्ट्ररी टू इट द विंडो वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज ए रेक्टेंगुलर एरिया ओपनिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विच इज सीन विद अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फोल्डर इज ओपन, ठीक है। अब विंडोज और विंडो के बीच में एक डिफरेंस आप अच्छे से समझ लीजिए,
विंडो हमारी, ये यहाँ पे जो विंडो की बात हो रही है, ये विंडो का मतलब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वाली ऑपरेटिंग सिस्टम वाली विंडो से नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, विंडो 7 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बट ये जो विंडो है ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो ये इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का जो हमारे सामने एरिया ओपन होकर आता है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक क्रॉस लगा होता है, यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन होता है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे फाइल वगैरह बनी होती है, यहाँ पे भी कुछ लिखा होता है। तो ये जो इस तरह की जो हमारे सामने एक तरह की जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, विंडो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि विंडो, ये जो विंडो एंड इट्स टाइप, ये जो पढ़ रहे हैं हम, इसमें कन्फ्यूज मत होना, कभी आपसे पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज विंडो 7 डिफाइन इट्स टाइप, और आप उसके टाइप में ये सारी चीज़ें जो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखा हो, नहीं, ये विंडो कौन सी विंडो है, ये जब हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जैसे हम अपने पिक्चर अपने की हमारे फोल्ड हमारे कंप्यूटर में सेव हमारी पिक्चर्स, हमने पिक्चर्स के ऊपर क्लिक किया, हमारे सामने पिक्चर्स हमारी आगे प्रेजेंट हो गई, तो वो जो हमारे सामने पिक्चर प्रेजेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, एक तरह की विंडो ओपन हुई है हमारे सामने, ठीक है, एक तरह की स्क्रीन हमारे सामने खुली है, उसको हम क्या बोलते हैं, विंडो, ये वो वाली विंडो है, ठीक है। तो अगर आपसे विंडोज़ कंप्यूटर की विंडो या फिर आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडो कौन सी होती है, कंप्यूटर की विंडो कौन सी होती है, ठीक है, तो वो आपने बता देना डिफ्रेंशिएट करके। नेक्स्ट जो है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन कैन ओपन सेवरल विंडो, मतलब देखो मतलब क्या है, सिंपल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विंडो हम ओपन कर सकते हैं, वी कैन मूव ऑन फ्रॉम वन विंडो टू अनदर वेरी इजीली, ठीक है, एक विंडो से दूसरी विंडो, हमने म्यूजिक चला रखा है, एक्सेल ओपन किया हुआ है, तो एक से दूसरे पे हम स्विच कर सकते हैं वेरी इजीली, वन विंडो वी कैन सेंड द ईमेल सेंड करते हैं, दूसरी पे हम एमएस वर्ड पे यूज़ कर सकते, काम कर सकते हैं, हम गाने डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पे, डिफरेंट डिफरेंट विंडोज पे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ विंडोज हमारे पास कौन सी है, एप्लीकेशन विंडो, विंडो एक्सप्लोरर विंडो और डायलॉग बॉक्स विंडो, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है, विंडोज। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो मान लो कोई भी एप्लीकेशन हमने ले ली, जैसे कि हमने ले ली है यहाँ पे MS Word की विंडो, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हमने यूज कर ली, इट रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया इन ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओपन, मतलब किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का जो भी हमारे सामने विंडो ओपन होकर आएगा वो हमारी एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो, सेवरल एप्लीकेशन विंडो कैन बी ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन विंडो ओपन कर सकते हैं। मैंने बताया ना अभी कि गाने सुन सकते हैं, तो हम VLC प्लेयर वाली विंडो अपने ओपन कर ली, VLC प्लेयर को ओपन किया तो उसकी विंडो हमारे ओपन होकर आ गई, हम अपना ईमेल सेंड कर रहे हैं तो हमने ईमेल पे क्लिक किया तो वो विंडो हमारे सामने ओपन होकर आ गई, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विंडोज हम एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। द यूजर डन इज वर्क टास्क विद द हेल्प ऑफ मेन्यू एंड कमांड्स प्रोवाइड विद द एप्लीकेशन, मतलब हम उसको कमांड देंगे, जो भी उसको मेन्यू सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करता चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो किसकी, एमएस वर्ड की। अब हमने जैसे एमएस वर्ड है वो ओपन किया, तो जो एमएस वर्ड है उसमें हमारे पास सेवरल टाइप के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, स्क्रोल बार हो गया, वर्क स्पेस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे सामने होते हैं क्या, कंपोनेंट्स किसी भी एप्लीकेशन विंडो के। अब जैसे हम बात करें एमएस वर्ड एप्लीकेशन विंडो की, जैसे हमने एमएस वर्ड ओपन किया तो हमारे सामने विंडो में क्या ओपन होकर आया, ठीक है। तो जैसे ही हमने एमएस वर्ड ओपन किया तो इस तरह का हमारे सामने विंडो ओपन होकर आ गई, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, आइकन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारे सामने हो गया टाइटल बार, ये हमने लास्ट उसमें पढ़ा भी था, टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूरल बार, स्क्रोल बार, स्टेटस बार, लेआउट बटन, वर्क स्पेस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं किसमें, MS Word में। ये MS Word की एप्लीकेशन विंडो, जैसे ये एप्लीकेशन आइकन हो गया, ठीक है, जो भी हमारी एप्लीकेशन MS Word से खुला हुआ है, स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, हमारे टाइटल बार हो गया, यहाँ पे मेन्यू बार होता है, ठीक है, विंडो कंट्रोल बटन होते हैं कि यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज या फिर कट कर सकते हैं अपने विंडो को, ठीक है, फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया, लेआउट बटन हो गया, स्टेटस बार हो गया, रूलर हो गया, वर्क स्पेस, ठीक है, ड्राइंग टूल बार, स्क्रोल बार, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स है किससे रिलेटेड, एप्लीकेशन विंडो से, ठीक है। तो जैसे अब इनके बारे में हमने थोड़े डिटेल्स इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो भी काम होता है टास्क बार, टाइटल बार में क्या होता है, हमारा जो एमएस वर्ड का जो भी एप्लीकेशन है जिसने हमें नाम दिया है, जैसे हम दे दिया एमएस वर्ड फाइल वन या एमएस वर्ड फोल्डर, ठीक है, किसी भी नाम से, तो वो हमारे कहाँ पे शो होगा, टाइटल बार पे। टाइटल बार कहाँ होता है, सबसे टॉप में। सेकंड हमारा होता है मेन्यू बार, मेन्यू बार में हमारी जितने भी टाइप की टैब है वो सारी हमें प्रोवाइड की जाती है। ट्रेफर्स टू अ लिस्ट विच कैरीज द कमांड नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर जॉब, मतलब मेन्यू में क्या होता है, हमारी जितनी भी सारी टैब है, जो भी शॉर्टकट कमांड होती है, जैसे हमने होम टैब पे जाना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, फॉर्मेटिंग में जाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो टैब होती है, ठीक है, उसमें हमारा प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, अब ये जो नए वर्जन आ गए उसमें सारी चीज़ों के नाम बदल गए, अलग अलग हैं, ये पुराने वर्जन की बात करें। स्टैंडर्ड टूल बार में हमारी इसी तरह से हम डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, सेव करना है, ठीक है। ये क्विक एक्सेस बार में भी अब हमारा होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार है वो हमारा ऑफिस बटन बन गया है, ऑफिस बटन में हमारे सामने ये सारी चीज़ें आती हैं, क्रिएट करना, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना, उसको सेव करना, ठीक है, सारी चीज़ें हमारी किसमें, अब ऑफिस बटन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार, ये हमारा अब किसमें है, होम टैब में फॉर्मेटिंग का, ठीक है, उसको लेफ्ट लाइन करना, राइट लाइन करना, टेक्स्ट को कलर देना, बैकग्राउंड कलर देना, बोल्ड इटैलिक, ये सारी चीजें हमारी किसमें आ गई अब,
फॉर्मेटिंग टूल बार में होती पहले, अभी आ गई है हमारी, तो आपको इसके अकॉर्डिंग याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद रूलर आता है हमारा, रूलर किस लिए, स्पेस देने के लिए, लेफ्ट साइड से टॉप साइड से, ठीक है। ये हमारे उसको जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको एक तरह से कि कहाँ पे हमारा होना चाहिए, लेफ्ट साइड से कितना स्पेस होना चाहिए, टॉप से कितना, स्क्रॉल बार हमारा क्या है हमारे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, ठीक है। स्टेटस बार में हमारा क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस, कौन से हम कौन से पेज पर काम कर रहे हैं, हमारे स्टेटस बार। उसके बाद लेआउट बटन होते हैं, लेआउट में हमारा होता है कि मतलब हम अपने लेफ्ट साइड में और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते कि किस तरह का हमारा डॉक्यूमेंट है वो दिख रहा है बनने के बाद, ठीक है। वर्क स्पेस जहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी ऐड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, वो हमारा होता है वर्क स्पेस। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन विंडो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर अभी मैंने बताया क्या होता है हमारा विंडो एक्सप्लोरर, हमारा ये है हमारा विंडो एक्सप्लोरर, यहाँ पे अगर आपको विजिबल हो, ठीक है, येलो सो कलर का आइकन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है विंडो एक्सप्लोरर, मैंने बताया था ना विंडो एक्सप्लोरर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन होकर आएगी, जिस तरह से कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर जैसे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के तो डिस्क ड्राइव ओपन होकर आएंगे, ठीक है। लेफ्ट यहाँ पे राइट साइड में कंप्यूटर पे क्लिक करें तो राइट साइड में डिस्क ड्राइव होते हैं, पर जब विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन होकर आ जाती है। ये है विंडो एक्सप्लोरर, इट रेफर्स टू द विंडो दैट डिस्प्ले द डिफरेंट फोल्डर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको हमें शो कराता है विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डायलॉग बॉक्स विंडो। डायलॉग बॉक्स विंडो हमारे सामने क्या होती है कि उसमें कोई भी हमने कमांड देनी हो, जैसे हम एक्सेल ओपन कर रहे हैं तो हमने विंडो प्लस आर दबाया तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द विंडो थ्रू विच द इनपुट फ्रॉम द यूजर इज ऑब्टेंड डिमांडेड टू रन ए स्पेसिफिक कमांड, ठीक है। मतलब ये क्या होता है डायलॉग बॉक्स जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। कमांड देते हैं जैसे हमारे सामने कई बार हमने कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, नई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, तो उसके सामने आता है ना कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस, डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, तो हम क्या करते हैं यस या नो का ऑप्शन होता है, यस कर दिया तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, नो कर दिया तो वो क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर यस किया हमने तो इसका मतलब है कि हमने उसको क्या दिया, कमांड दिया, ठीक है। तो मतलब किसी भी वर्क को परफॉर्म कराने के लिए जब हम किसी विंडो में कमांड देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। जैसे ये लगा लो कि हमें जब एडिटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अपना डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, हमने एडिटिंग करनी है, तो इस तरह से ये लगा लो कि हमने फॉन्ट को, फॉन्ट का जो बटन है वो हमारे सामने ओपन होकर आया है, जो फॉन्ट का ग्रुप है कि हमने कौन सा फॉन्ट लेना है, ठीक है, कितना साइज का फॉन्ट लेना है, तो इस तरह से ये क्या है हमारा, ये एक तरह का डायलॉग बॉक्स है कि हमने फॉन्ट सेलेक्ट कर दिया एमएस वर्ड में जैसे होता है, ठीक है, उसमें उसका साइज सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस्में आती है डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे तीनों हो गए किसके, विंडो के टाइप कि किस कितने कितने टाइप की विंडो हमारी होती हैं, तो ये दो तीन तरह की हमारी विंडो होती हैं, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा उसमें हमारा आता है विंडो एक्सप्लोरर, सॉरी ये तो हो गया विंडो एक्सप्लोरर। उसके बाद आता है हमारा शटिंग डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को किस तरह से हम शट डाउन करते हैं। मैंने जैसे ही कल जो दिखा था उससे पहले आपको दिखाता हूं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे ही हम स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, शट डाउन का ऑप्शन, शट डाउन के ऑप्शन के ऊपर भी हमारा एक डाउनवर्ड एरो बना होता है। डाउनवर्ड एरो जैसे हम क्लिक करेंगे उसमें आता है रीस्टार्ट, ठीक है, या फिर स्लीप मोड, ठीक है। तो उस तरह हम क्लिक कर देंगे तो हमारा शट डाउन का ऑप्शन, शट डाउन जो कंप्यूटर वो हो जाता है। आफ्टर फिनिशिंग वर्क ऑन कंप्यूटर इट शुड ऑलवेज शट डाउन सो दैट अवर डेटा मे रिमेन सेफ एंड द वेस्टेज ऑफ द पावर इज अवॉइडेड, मतलब जब भी हम कंप्यूटर काम अपना खत्म कर लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने सिस्टम को पावर ऑफ करना चाहिए। उसके लिए हमारा पावर ऑफ किस तरह से करते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू क्लिक ऑन द शट डाउन बटन, राइट हैंड साइड में क्या आ गया शट डाउन बटन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। उसके बाद है मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर को किस तरह से मैनेज करके रखते हैं हम अपने कंप्यूटर में, ठीक है। ये बहुत ही ईजी सा है, ये सिर्फ बेसिक में है आपका कि विंडो क्या होती है। अगर विंडो के बारे में आपसे पूछा जाए 15-16 नंबर का क्वेश्चन, बट इज़ विंडो एक्सप्लोर इट या एक्सप्लेन इट ब्रीफली, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से अगर मान लो 10 नंबर में आ जाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर, फाइल हमारी क्या होती है, क्रिएटेड व्हेन द डेटा इज रेजिस्टर्ड इन द कंसर्न एप्लीकेशन एंड इट इज़ सेव्ड बाय गिविंग ए स्पेसिफिक नेम, मतलब हम किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, किसी एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने गाने डाउनलोड किए हैं, तो हमें जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया, जो भी है, जैसे हमने सॉन्ग डाउनलोड कर लिया, अब सॉन्ग को हमने कहीं प्लेस कराना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको एक फाइल बना लेंगे अपने सॉन्ग्स की, सॉन्ग्स के नाम से, ठीक है, उसमें अपना जो सॉन्ग है उसको हम रख देंगे, ठीक है। तो फाइल क्या करती है, इट हैपन्स टू द सेविंग द डेटा रजिस्टर्ड इन द एप्लीकेशन बाय गिविंग इट ए स्पेसिफिक नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, फ्यूचर में कभी यूज करें तो हमें याद रहे कि हमने सॉन्ग इस जगह पे स्टोर कराए थे तो सॉन्ग्स के नाम से हमने वो फाइल बनाई या फिर एमएस वर्ड के नाम से हमने वो फाइल बनाई, ठीक है। तो होती है हमारी फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होगी, हमारी डॉक्यूमेंट फोल्डर में। उसके बाद फोल्डर होता है, फोल्डर हमारा क्या होता है कि जितनी फाइल हमने बनाई है वो स्टोर होंगी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में होंगी या फ्लॉपी डिस्क में होंगी, ठीक है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में कहीं भी स्टोर होंगी, तो हम जब भी उनको सर्च करेंगे तो उनको सर्च करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ फाइल, मतलब फाइल को किसी एक ग्रुप में, मैंने बताया ना कि जैसे सारे सॉन्ग्स को हमने एक फाइल में रख दिया, एक फोल्डर बना दिया हमने, ठीक है, तो मतलब जितनी फाइल्स है उनको हमने किस में रख दिया, एक फोल्डर में। इट रेफर्स टू द नेम लोकेशन प्रेजेंट इन द मेमोरी विच हैज़ जॉब ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल, मतलब जो भी फाइल हमने बनाई है उनको ऑर्गेनाइज करके रखना वो
फोल्डर का काम होता है। विद अ फोल्डर वी कैन मेक अदर फोल्डर ऑल्सो, मतलब एक फोल्डर के हम अदर फोल्डर बना सकते हैं, सब फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यू फोल्डर, हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले विंडो एक्सप्लोरर हम ओपन करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर समझ रहे हो, ठीक है, जो अभी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर पे हम क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे ऑन द डिस्क ड्राइव और फोल्डर आइकन विच वी वॉन्ट टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे डिस्क ड्राइव पे या फिर फोल्डर आइकन पे जिसके लिए हम अपना जो नया फोल्डर है वो क्लिक करना बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, द डिस्क ड्राइव और फोल्डर विल ओपन, नाउ राइट क्लिक एनीवेयर एंड सेलेक्ट द न्यू फोल्डर फॉर द शॉर्टकट मेनू, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे कहीं भी साइड में जहाँ पे ब्लैंक जगह होगी और न्यू फोल्डर सेलेक्ट करेंगे शॉर्टकट मेन्यू से, ठीक है। क्लिक डायरेक्टली, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहता है, क्लिक डायरेक्टली ऑन द ऑप्शन न्यू फोल्डर ऑन द कमांड बार, ठीक है। जैसे कि हम जैसे ही क्लिक करेंगे अपने हमने विंडो एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ, वहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक हमने किया, राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखो इस तरह का ये एक क्या ओपन हो किया जाएगी, लिस्ट ओपन हो किया जाएगी इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम है, प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फोल्डर शॉर्टकट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, तो जो भी हम बनाना चाहें, हमने फोल्डर बनाना, यहाँ से हम फोल्डर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा फोल्डर है वो बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एंटर करेंगे तो हमारा फोल्डर रेडी हो जाएगा, तो इस तरह से हम फोल्डर बना सकते हैं। तो हमें अगर और फाइल फोल्डर को अगर देखना हो तो क्या करेंगे, हम सिंपली फाइल फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, जो वो जो हमारा जो फोल्डर है फाइल है वो हमारी ओपन होके आ जाएगी। सिलेक्टिंग सेलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे, मैंने बताया सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाता है, देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि सिंगल क्लिक करेंगे किसी फोल्डर के ऊपर तो सिलेक्ट होएगा, तो किस तरह पता चलेगा, एक रेक्टेंगुलर बन जाएगी उसके ऊपर ब्लू से कलर की, तो इसका मतलब है कि जो फोल्डर वो सिलेक्ट हो गया है। एक से ज़्यादा फोल्डर सेलेक्ट करने हो गए तो क्या करेंगे हम, उसको मतलब एक फोल्डर को सिलेक्ट करके बाकी उसको क्या करेंगे, ड्रैग करते ले आएंगे अपने माउस को नीचे की तरफ, ठीक है, एक से ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंट्रोल प्रेस करके रखें और जो जो हमने कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस रखेंगे माउस से क्लिक करते जाएंगे जो जो फोल्डर हमें सिलेक्ट करना है उनके ऊपर, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कोई फाइल हमने खोली है सॉन्ग्स वाली, उसके अंदर 10 सॉन्ग है, हमने सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस ए सबके ऊपर, मतलब जो पूरी फाइल है वहां पे सारी के सारे जो सॉन्ग्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मूव कराना हो हमें फोल्डर को, क्या करेंगे हम, मतलब या तो मूव के ऑप्शन से हम मूव करा सकते हैं या फिर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मूव ए फाइल फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो वी नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइल फोल्डर अगेन, इसके लिए हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन मूव फाइल फोल्डर वन प्लेस टू अनदर बाई यूजिंग दीज मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, जो सा फोल्डर मूव कराना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस फोल्डर के ऊपर और कट का ऑप्शन कट करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस सी से डायरेक्ट, सॉरी कंट्रोल प्लस वी से कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन जो होता है कट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे हम, कट हो जाएगा वो फोल्डर वहाँ से, और जिस एरिया पे भी जाना है किस भी डॉक्यूमेंट में जाना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी कर देंगे या फिर डायरेक्ट हम शॉर्टकट से उसको पेस्ट करा देंगे, ठीक है। जैसे इस तरह का जो लिस्ट ओपन होती आएगी वहाँ पे हमारे पास पेस्ट का बटन होता है, उसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको मूव भी करा सकते हैं। कॉपी करना हो तो कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी करेंगे हम, उसको कंट्रोल प्लस एक्स नहीं करेंगे। कट का मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ से अब वो फोल्डर हटा दिया, दूसरी जगह पर रख दिया। कॉपी का मतलब क्या हुआ कि वो फोल्डर यहाँ पे भी है, हमने दूसरी जगह पे भी रख दिया। तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिलीट, किस तरह से करेंगे, जो फोल्डर हमने डिलीट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन आएंगे हमारे पास डिलीट का, वहाँ से डिलीट करेंगे या परमानेंट उसको सिलेक्ट करके हम जो हमारा कीबोर्ड रहता है उसमें भी डिलीट बटन से उसको डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट कर शॉर्टकट ऑफ फाइल, तो क्रिएट शॉर्टकट अगर हमने उसका बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, द शॉर्टकट आइकन विच इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द रियल फाइल फोल्डर इज अ लिंक ओपन फाइल, मतलब याद रहता है एक तरह से लिंक होता है उस फाइल फोल्डर का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट अगर हमें क्रिएट करना हो तो इस तरह से हम ब्राउज करना होता है, हमारे सामने जो विंडो आती है क्रिएट शॉर्टकट की, ठीक है। इसमें हमें जो भी फाइल है वो यहाँ पे ब्राउज करनी होती है, ब्राउज पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब हमने ये फाइल जो डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल पड़ी है हमने सेलेक्ट कर ली और नेक्स्ट करते गए और ओके कर दिया, इसके बाद हमारा जो शॉर्टकट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमारा शॉर्टकट से डायरेक्ट हम क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करके और क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, ये शायद आपको आती भी होंगी, बट वही है मेरा फर्स्ट आप लोग